to offer felicitations. We will start with the leader of the opposition. Please. बैठ जाइए सब लोग. We'll start with the leader of the opposition. परंपरा के अनुसार. माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली के स्वस्थ होने के बाद सदन में इनको बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि आज तो वोटिंग के लिए आए लेकिन अभी इनको कुछ और दिन रेस्ट करना चाहिए. मैं नवनिर्वाचित डिप्टी चेयरमैन श्री हरवंश जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं. लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं हर पद के लिए, लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं उन पर चुन के आने के बाद वो नेता, वो लीडर एक पार्टी का, एक पक्ष का नहीं होता, एक समुदाय का नहीं होता है, वो देश का होता है, हर पार्टी का होता है, हर समुदाय का होता है. इसी तरह से आज माननीय हरिवंश जी चुन के आए हैं. चुनने तक तो इनको एक दल का या कुछ दलों का समर्थन था, लेकिन चुन जाने के बाद ये किसी दल या कुछ दलों के ही डिप्टी चेयरमैन नहीं है, ये सदन के चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है. जितने उस तरफ के ये डिप्टी चेयरमैन हैं उतने ही डिप्टी चेयरमैन इस साइड के हैं. बल्कि मेरा हमेशा ये मानना है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तो हमेशा विपक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए, क्योंकि सदन में दो तीन किस्म के लोग होते हैं. मैं ब्रॉडर व्यू में बताना चाहता हूं, एक राइट, लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑफ सेंटर. तो अधिकतर हम देखते हैं कि राइट की तरफ सब झुकाव ज्यादा रहता है जो भी चेयर पर बैठता है. तो मेरा अनुरोध होगा माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब से कि लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑफ सेंटर की तरफ ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि जो सत्ता में है वो तो सक्षम है ही है, उनको ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत नहीं है. जो अंडर नरिश्ड होते हैं, वो प्रिविलेज्ड होते हैं, वो विपक्ष वाले होते हैं, उनको ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है. वो मैं चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा और माननीय डिप्टी चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा आज का इस समय का फायदा उठाते हुए. मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा काम हरिवंश जी ने किया है, विशेष रूप से हिंदी को बढ़ाने के लिए. हिंदी का जो प्रचार देश और विदेश में इन्होंने किया है, हमारे देश की गौरव भाषा, गौरवशाली भाषा हिंदी है. दूसरी भाषाओं का भी हम उतना ही आदर करते हैं. यही कारण है कि पार्लियामेंट में सभी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब भाषाओं का प्रयोग होता है. लेकिन अधिकतर जो लोग, जो संख्या है ज्यादा हिंदी बोलने वालों की, उस हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जो हरवंश जी ने काम किया उसके लिए मैं बधाई देता हूं. आप जर्नलिस्ट भी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक जर्नलिस्ट अगर डिप्टी चेयरमैन बने तो हमारे कुछ संबंध और जर्नलिस्ट से हो जाएं और पार्लियामेंट की कार्रवाई ज्यादा दिखाई जाए, बाकी जो न्यूज बाहर है उस पर कम ध्यान देकर पार्लियामेंट की कार्रवाई ज्यादा दी जाए, तो इनका जो जर्नलिज्म का अनुभव है शायद वो भी हमें काम आ जाएगा. आपने अलग पदों में और विशेष रूप से भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ जो काम किया, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन एडवाइजर के तौर पे जिसका उसका भी हम लाभ उठाएंगे. एक दफा फिर मैं आपको
अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, विपक्ष की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।